इस समय अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो आपको बहुत से ट्रोलर्स ऐसे मिल जाएंगे जो शहीर शेख को ट्रोल कर रहे हैं। शहीर शेख पवित्र रिश्ता 2 में वही किरदार निभाने वाले हैं जो पवित्र रिश्ता में कभी सुशांत ने निभाया था, मानव का किरदार। अंकिता लोखंडे भी हैं इसमें। अब कुछ लोगों को शिकायत यह है कि शहीर शेख ये रोल क्यों कर रहे हैं। ये पूरा मामला मेरी समझ से बाहर है। एक रोल जो कभी सुशांत ने किया था, जिसके जरिए उनको पहचान मिली थी, और उसके बाद उन्होंने कई सारे और रोल निभाए और उनको अलग अलग रोल्स में लोगों ने पसंद किया। अब वो हमारे बीच नहीं है, उस शो का सीक्वल बन रहा है, कोई ना कोई एक्टर तो आएगा ही उसमें। ये लोग जो ट्रोल कर रहे हैं ये क्या चाहते हैं, मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि अगर पवित्र रिश्ता बन रहा है, उसके मेकर्स उसको बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि हम सब के बीच सुशांत की वो याद जीवित रखने की कोशिश है जो हमने सबसे पहले उन्हें मानव के रूप में जाना था, पहचाना था। मेरी पूरी तरह से समझ के ये बाहर है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े भी, और मुझे कोई तर्क ही समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इनफैक्ट वो तो खुद उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो खुद ही नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि शायद वो न्याय नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पर सुशांत उस कैरेक्टर को लेकर गए थे, शायद वो ना ले जा पाए। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ठीक है, एज ए एक्टर मुझे एक चैलेंज आया है तो मुझे लेना चाहिए, और मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता। और मुझे लगता है कि सुशांत आज जहां से भी देख रहे होंगे, तो एक तरह से ये उनकी लेगेसी को आगे ले जाने की एक कोशिश है जो फिर से हो रही है। आज कितने सफल ऐसे टीवी शोज हैं जिनके सीक्वल बनते हैं और इस तरह से बनते हैं। तो मुझे लगता है कि सुशांत के जो फैंस हैं, जो वाकई सुशांत को पसंद करते हैं, जो वाकई सुशांत से बहुत प्यार करते हैं, उनको इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मेरी पूरी तरह से समझ के बाहर है। मुझे ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लगा कि मैं उसके बारे में कुछ बात करूं। आपने देखा होगा मैंने ऐसा कोई ट्वीट भी नहीं किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग भी किया है उसमें। मुझे लगा कि एक अच्छी और ईमानदार कोशिश हो रही है, तो हम उसके बीच में रोड़ा क्यों बने। कुछ लोग अटेंशन सीकर्स भी होते हैं, उन्हें लगता है कि वो इस तरह से अटेंशन लेंगे, किसी भी चीज का विरोध शुरू कर देंगे तो। लेकिन उसके पीछे कोई तर्क और लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम जब करने जाएं तो खुद से एक पल रुककर ये पूछें जरूर कि आप ये क्यों कर रहे हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले में कुछ भी गलत नहीं लगता कि जिसके लिए लोग इतना विरोध कर रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे जरूर बताइए, और मैं जानना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी सोच कैसी है। हालांकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं। जो भी है, मेरे हिसाब से गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर एक एक्टर ईमानदारी से कोशिश कर रहा है तो उसे मौका मिलना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुरानी यादों में जाने का मौका भी होगा जो लोग जिन्होंने पवित्र रिश्ता का फर्स्ट सीजन देखा है पूरा। तो कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। और अगर आपको नहीं भी देखना है शो तो मत देखिए, लेकिन जिस तरह से आप सुशांत का नाम लेकर और फिर आप विरोध कर रहे हैं, वो शायद कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से नहीं अच्छा लग रहा कि इस तरह से आप किसी को ट्रोल करें। इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ होता कि सुशांत होते इस दुनिया में और फिर इसका सीक्वल बन रहा होता, और उसमें अगर किसी और को भी लिया जाता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके मन में भी होता। जो भी मेरी 2-4 मुलाकातें रही हैं सुशांत से, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे थे कि उनको ये बुरा लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हर कोई अपनी लाइफ में एक एक रोल निभाने आता है, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। जिस वक्त सुशांत ने किया था, एक अलग दौर था, आज एक अलग दौर है, और ऐसे में उस एक्टर के पीछे पड़ जाना जो उस रोल को निभाने आया है, मुझे किसी भी तर्क से ये बात ठीक नहीं लगती। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा।